नमस्कार मित्रों, आज ज्ञान की बात में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये नया टाइप का हमने हमारे प्लॉट में मंडप इंस्टॉल किया है। ये फ्लेक्सिबल कपड़ा है, बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत हल्का कपड़ा आता है और इसको बांधने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको इंस्टॉल अगर करते हो तो इसके दो तीन फायदे हैं। जो सन बर्निंग का जो प्रॉब्लम है हमारे प्लॉट में, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, सनबर्निंग का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं हमें। और आगे जाके जो ओस गिरती है या जो ओले गिरते हैं, तो ओले गिरने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन्हें ओले जो गिरते हैं, ओले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बरसात का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सनबर्निंग का इशू नहीं आएगा। तो प्लांट्स हेल्दी रहेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, कैनोपी का जो टेम्परेचर है वो बड़ा कंट्रोल्ड रहता है, एकदम कम रहता है, वो ज़्यादा नहीं रहता है। ऐसे में ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छा है और इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें आप अगर देखोगे तो बीच में एक तार भी लगाया हमने, ये तार लगाया है। ये तार का यूज इसलिए किया अपन ने कि इससे आप प्लांट को बांध भी सकते हैं। अभी हम इसको बांध भी देने वाले तार से, ऐसा जो झुकी हुई डाली है, एक बार स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा फिर इसको अपन बांध भी देंगे। तो ज्ञान की बात में आज ये नया स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होता है, स्प्रेइंग भी चलता है, बीच में ट्रैक्टर से स्प्रे भी कर सकते हैं आप आराम से, ब्लोअर से, और शेड नेट का भी ये काम करता है। बाकी जगह पे देखा गया है कि भाई कब प्लांट को पूरा ढक देते हैं, वो सस्ता कारगर तरीका है, पर ये भी एक तरीका है, पर उसमें आप स्प्रे मारने में दिक्कत आती है, इसमें आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं। अभी हम लोग कैनोपी के अंदर है, टेम्परेचर बहुत कूल है इसके अंदर और प्लांट के लिए बहुत हेल्दी, और इसमें से जो यूवी रेज जो है, यानी सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो भी छन के आती है, तो सन बर्निंग का कोई भी प्रॉब्लम अपने प्लॉट में आएगा नहीं। ठीक है मित्रों, ये आज की ज्ञान के बाद।